दहशतगर्दी की लहर और मौशी सूरतेहाल से निपटने का प्लान। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी और अस्करी क्यादत सर जोड़कर बैठेगी। अस्करी हुकाम दहशतगर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरतेहाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर खजाना मौशी सूरतेहाल पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बनू ऑपरेशन की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। ओले दहशतगर्दों के ठिकानों का सफाया किया जाएगा। हो सकता है ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्द भाग जाएं। जियाए खान में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। चार अहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 17 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध की वजीर सेहत सिविल अस्पताल कराची की लिफ्ट में फंस गईं। अजरा पेचोहो बच्चों के सर्जरी वार्ड का इफ्तिताह करने पहुंची थीं। लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। लिफ्ट में सुबाई बुसरा, एमएस सिविल अस्पताल और दीगर अमला भी मौजूद था। लाहौर हाईकोर्ट में 8 माह के बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। बच्चे की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। सीसीपीओ लाहौर को 2 घंटे में बच्चे को बाजियाब कराने का हुक्म। आईजी को भी जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। कोरोना वायरस ने जनूबी कोरिया में आफत ढा दी। एक ही दिन में 68 अफराद जान से गए। 65,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। जापान में 420, अमरीका में 239 और जर्मनी में 188 अमवात रिपोर्ट। जनूबी कोरिया और अमरीका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों का कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। और कराची टेस्ट का आखिरी दिन, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी आउट हो गए। मामूल हक की 50, अब्दुल्ला शफीक 17, शान मसूद 10, नुमान अली 4 और बाबर आजम 14 रन बनाकर आउट।